हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्स वाई जेड की मदद से बहुत ही सुंदर सा गाय का ड्राइंग बनाना सीखने वाले हैं। देखिए, पेंसिल से पहले हमें इस तरह से एक लकीर ड्रॉ करनी है और इस लकीर के आखिरी कोने पर हमें एक्स का शेप कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। ज़रा सा लंबा सा ये एक्स होगा। देखिए, इस तरह से हमने एक्स का शेप ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, थोड़ी सी बीच में जगह छोड़कर हमें वाई का शेप उल्टा यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक्स की तरह ही ये वाई हमें ड्रॉ करना है। बस उसकी एक डंडी हमें नहीं निकालनी है ताकि वो उल्टा वाई दिखे। देखिए इस तरह से, और बिल्कुल वाई के कोने से ही हमें जेड का शेप कुछ इस तरह से तिरछा सा निकालना है। देखिए इस तरह से वो जेड का शेप आना चाहिए, बिल्कुल Y के एंड तक। देखिए यहाँ तक हमें जोड़ देना है। अब देखिए X, Y, Z हमने इस तरह से निकाल दिए। पेंसिल का काम हो गया, बुलाते हैं मार्कर को। अब देखिए हम गाय की पीठ से ही शुरू करते हैं। जो लकीर हमने ड्रॉ की थी पहले, उसे ही हम पहले आउटलाइन करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा तरीके से हमें ड्रॉ करना है। अब जो X का शेप है, उसी में से हम इस तरह से गाय का पीछे वाला पैर निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से हम पीछे का पैर पूरा कर देंगे। थोड़ा सा हमें आउटलाइन करना है, बस ज़रा तरीके से। देखिए इस तरह से उसका पीछे का पैर बन गया। अब एक्स की इस बाजू से भी हम उसका पीछे का जो दूसरा पैर होता है, उस साइड वाला, वो बनाएंगे और यहीं पर हम गाय के थन बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, बहुत ही आसानी से। ये दोनों गाय के पीछे के पैर तैयार हो गए एक्स में से ही। अब पीछे से हम देखिए पूंछ कितनी आसानी से बनाते हैं। इस तरह से पूंछ भी हम आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग है, स्टेप बाय स्टेप आपको बस फॉलो करने होंगे। देखिए अब हम आगे के पैर बनाएंगे वाई के उल्टे वाई की मदद से। देखिए इस तरह से उल्टे वाई का आधार लेते हुए हमने गाय का आगे का जो पैर होता है वो हमने बना दिया। बिल्कुल शांति से आपको ये ड्राइंग बनाना है। देखिए अब जो वाई की दूसरी डंडी है, उससे हम उसका उस साइड वाला पैर बनाएंगे, वो हमें आधा ही दिखेगा। देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम यहाँ तक उसका पेट का हिस्सा जोड़ देंगे। ये देखिए गाय का पूरा शरीर और उसके चारों पैर बन गए। अब देखिए हम जेड को कैसे आउटलाइन करते हैं। यहाँ से हम आउटलाइन करेंगे तो उसका हम सिर बनाते जाएंगे। यहाँ से उसका हम सिंग बनाएंगे, यहाँ से उसका कान बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। उसकी गर्दन बन गई और यहाँ से उसका उस साइड वाला सिंग और कान भी हम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से उसकी नाक बनेगी इस तरह से, और उसी के नीचे उसका हम मुंह दिखाएंगे इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक हम जेड तक जोड़ देंगे गोलाकार रेशा से। तो उसका चेहरा बन गया। यहाँ पर उसकी आँख बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। देखिए अब जेड की जो ये बाजू है, इसे हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे गोलाकार करके उसके पैरों से जोड़ देंगे। यहाँ पर हम कुछ उसके मसल्स वगैरह भी दिखा सकते हैं। देखिए अब उस पर हम सिंपल से पैटर्न्स वगैरह, ऐसे कुछ स्पॉट्स वगैरह, हम ब्लैक स्पॉट्स वगैरह दिखा सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से अब जो पेंसिल से हमने एक्स वाई जेड लिखा था, उसे हम इरेज करेंगे और सुंदर तरीके से इसमें कलर करेंगे। आप भी शांति से, आराम से इस ड्राइंग को बनाइएगा। स्टेप बाय स्टेप देखते हुए एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका ये ड्राइंग सुंदर बनेगा। आपको ये ड्राइंग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए एक्स वाई जेड का आधार लेते हुए हमने कितनी सुंदर तरीके से गाय का ड्राइंग बना दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।